नेक्स्ट देखें बेटा, फिर 59 सॉल्व करने वाला है, बहुत इजीली कर पाएंगे आप। 58 देखें बेटा, 58 58 नंबर। क्वेश्चन इज 58। ये देखिए बेटा, आईटीएफ एक एंगल होता है, तो आप हमें प्रूव करना है ये जो एंगल है 5/4 के इक्वल है। 58 2015 में आया हुआ, तो ये जो एंगल है दोनों एंगल्स का टोटल सब्ट्रैक्शन 5/4 के इक्वल है, तो वे क्या होगा? इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, पहले साइन इनवर्स को टेंजेंट में चेंज करेंगे 3/5, देयरफॉर ये साइड 4, देयरफॉर कैसे 25 - 9 6 आपको बता दी गई है, तो ये 2 टेंजेंट इनवर्स 3/4 बना। डबल एंगल का फार्मूला हमारे पास है, कई बार यूज कर चुके हैं, या इसको दो बार भी लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/4, तो टेंजेंट इनवर्स 2x 6/4 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। दिस बिकम टेंजेंट इनवर्स, ये ऊपर तो 3/2 है, इनटू 16/7, टेंजेंट इनवर्स 17/13। फिर से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वन आ जाएगा, 2 हो गया। नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो नंबर पूछिए। इससे पहले वाले एनसीईआरटी के हैं, 53 नंबर अलग है, 53 देखिए बेटा, रिवर्स करवा रहे हैं क्वेश्चन, इससे पहले वाले एनसीईआरटी के ही हैं, 53 नंबर देखें, 53 53 नंबर रब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछिए आप, कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछिए। फिफ्टी थ्री नंबर करते हैं बेटा एक्सप्लेन आपको, 53 नंबर, 53 नंबर आपको बताते हैं। फिफ्टी थ्री नंबर इज थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बेटा, फॉरेन बोर्ड 2013 का क्वेश्चन, डिफरेंट बोर्ड के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट कॉस एक्स, आप हमें साइन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन वाई क्या होगा ये निकालना, टेंजेंट स्क्वायर एक्स वाई, साइन वाई चाहिए तो दोनों साइड साइन ले लो, लेकिन कॉट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स का हमारे पास रिलेशन है वो यूज करेंगे। कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 5/2 के इक्वल होता है, इसलिए
ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू टेंजेंट इनवर्स रूट कोसेक्स। कोई डाउट इसका क्या रीजन? बिकॉज टेंजेंट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स पाई बाय टू के इक्वल। आराम से चेक कीजिए, फर्स्ट सेकंड स्टेप में कोई डाउट है तो आप डाउट पूछें फर्स्ट और सेकंड स्टेप के अंदर। अब क्या करेंगे बेटा, हमें तो साइन वाई चाहिए, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कहते हैं। लॉजिक क्या था? वन साइन वाई, हमें साइन वाई चाहिए तो बोथ साइड साइन लिखे। अब अगेन वही कॉस टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? देखो जैसे आज के लेक्चर में एक जगह पहले भी आया था, cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है? ये एंगल है ना बेटा, ये एंगल है थीटा, टेंजेंट इनवर्स रूट cos x इज थीटा, ये cos 2 थीटा बन गया। वेयर थीटा क्या है? टेंजेंट इनवर्स रूट cos x। cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले हैं, टेंजेंट वाला यूज करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा का क्या आंसर है हमारे पास? रूट cos x। टेंजेंट थीटा की जगह रूट cos x लिखेंगे, रूट cos x क्या हो गया? 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x। इसमें इमीडिएट ट्रिक ट्रिक्स आपको बताई गई है। इमीडिएट ट्रिक क्या है? 1 माइनस cos को क्या कहेंगे? 2 sin square x by 2, 2 cos square x by 2, cancel, तो tangent square x by 2 है, तो ये हमारे पास tangent square x by 2 है, और ये fifth है और ये sixth। आराम से चेक कीजिए और नंबर पूछिए बेटा आप। आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछे आप लोग, कोई कंफ्यूजन है तो नंबर बोले आप। तो ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, स्टेप्स पूछिए, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। y इक्वल टू दे रखा था, साइन y चाहिए, प्रूव करना था साइन y, तो साइन लेना चाहिए, लेकिन कोट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स अगर यहाँ सेम नंबर्स है तो उसका फार्मूला है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स को पाई बाय टू, तो पाई बाय टू माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट का कोट, तो पाई बाय टू माइनस टू टेंजेंट इनवर्स होगा। लॉजिक साइन वाई चाहिए तो साइन ले लिया, बहुत सही। साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा कहते हैं, लिख दिया। अब ये पहले ही आज भी यूज हुआ था, ये कोस 2 थीटा बन गया। कोस 2 थीटा का चार फार्मूले हैं, टेंजेंट थीटा पता है तो टेंजेंट वाला यूज कर लेंगे, यहाँ इमीडिएट ट्रिक लगा। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं इस लाइंस पे आपको सोचना है, इसी लाइंस के ऊपर। इससे पहले वाले क्वेश्चन बेटे ये सभी एनसीईआरटी के हैं जो आपको करने हैं, थोड़ा सा अलग जो देख रहे हैं वो आपको बताते हैं बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट जो है। 40 नंबर देखें बेटा, 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा सा अलग जो है 40 नंबर वो करते हैं एक्सप्लेन आपको। रब कर रहे हैं बेटा, ये 40 नंबर देखिए, 40 ये है बेटा टेंजेंट हाफ
साइन इनवर्स 3/4 हमें प्रूव करना है 4 - √7/4 ये जो क्वेश्चन जो है 40 नंबर 2013 में आया हो करेंगे कैसे लॉजिक कोई आईटी अपने केंद्र लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट हाफ ये एक एंगल है फर्स्ट स्टेप आईटीएफ का एंगल होता है वो टेंजेंट थीटा बाय 2 40 नंबर क्वेश्चन अब बेटा एक इमीडिएट ट्रिक का यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर वो देखते हैं आप इमीडिएट का यूज कैसे करेंगे वो आपको एक्सप्लेन करते हैं इमीडिएट ट्रिक का ये लिखेंगे बेटा ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है ये ध्यान रखना है 1 - cos 1 + cos है 2 sin² 2 cos² करें तो यही है वैसे प्लस वन में ट्रिक होती थी हाफ को डबल में चेंज करना लास्ट एक्सरसाइज होती थी तो टेंजेंट थीटा बाय तो साइन थीटा बाय 2 को हम लिखते थे 1 - cos θ/2 ऐसे cos थीटा बाय 2 को लिखते थे 1 + cos θ/2 टेंजेंट थीटा बाय 2 को लिखते थे इन दोनों की डिवीजन वही cos थीटा का आंसर क्या होगा मैं तो sin थीटा पता है cos थीटा का आंसर कैसे निकालेंगे बेटा cos थीटा या तो ट्रायंगल बना के या 1 - sin² θ करके जो भी आपको इजी लगे ये जनरल नॉलेज आपको डबल में चेंज डबल चार्ज तो चेंज किया कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ध्यान रखने पड़ते हैं तो cos थीटा का आंसर डाल देंगे और एलसीएम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ नंबर बोलिए बेटा आप लोग नंबर पूछे बेटा कोई डाउट है तो लॉजिक क्या है बेटा इस क्वेश्चन का फिर से बता देते हैं हम आपको लॉजिक आपको फिर से बताया जा रहा है लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है कई बार यूज कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर से यूज कर रहे हैं कि आईटीएफ एक एंगल होता है तो इसको थीटा लेते हैं तो हाफ को डबल में कैसे करेंगे ये रूल्स हैं बेटा हाफ को डबल में बहुत कम यूज हो रहा है इसलिए जीके में लिख दिया साइन थीटा बाय 2 को 1 - cos θ/2 cos थीटा बाय 2 को 1 + cos θ/2 टेंजेंट थीटा बाय 2 को इन दोनों की डिवीजन तो ये लिख दिया हमें cos थीटा कैसे पता लगेगा साइन थीटा पता है तो cos थीटा निकाल स्टेप्स पूछिए बेटा आप स्टेप पूछेंगे तो आपको आंसर दे दिया जाएगा स्टेप्स पूछे आप स्टेप्स पूछिए आपको बता दिया जाएगा थर्टी फिफ्थ देखे करवा चुके वैसे फिर से देख लीजिए कोई बात नहीं 35th आना चाहिए आपको ये रब कर रहे हैं बेटा ये 35th
35 इज 400, हमें प्रूव करना है 6/5 ठीक। वो ये कि आईटीएफ का टेंडर होता है, ये तो अल्फा ये भी कोस अल्फा प्लस बीटा निकाल, इसका आंसर होगा दोनों कोस माइनस दोनों साइन। अब इनकी वैल्यूज क्या होगी, अल्फा तो क्या है साइन इनवर्स 3/5, बीटा क्या है कॉट इनवर्स 3/5, यानी साइन अल्फा क्या हो गया 3/5 और कॉट बीटा क्या हो गया 3/5। साइन अल्फा तो यहाँ रख ही देंगे 3/5, कॉस अल्फा कैसे निकले ट्रायंगल बना 3/5, देयरफॉर ये साइड क्या आ गई 4, तो कॉस अल्फा तो हमारे पास आ जाएगा 4/5, ये अल्फा एंगल। बीटा एंगल के लिए भी इसी तरीके से 3/2, ये साइड क्या आ जाएगी देयरफॉर रूट करके कॉस अल्फा क्या बनेगा, कॉस अल्फा 4/5 ट्रायंगल को देख के, कॉस बीटा क्या बनेगा इस ट्रायंगल को देख के 3/√2 करके, साइन अल्फा 3/5, साइन बीटा क्या बनेगा 1/2, 2/3 ट्रायंगल कैसे बनाई 4/5, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल नहीं करेंगे 5/13 तो एलसीएम सात स्टेप्स बोर्ड पे, आपको नंबर पूछना है तो नंबर पूछ सकते हैं। सात स्टेप्स में आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप, सेवन स्टेप्स में, सात स्टेप्स में कोई डाउट है तो नंबर बोले आप। तो बेटा ये पावरफुल आपको कंप्लीट करनी है, पावरफुल कंप्लीट करनी है, कोई डाउट है तो पूछना है। कल बेटे टेस्ट रखेंगे, टेस्ट में बेटा 90% तो एनसीईआरटी से पूछेंगे, पावर। कोई डाउट है तो आपको पूछना है, डाउट क्लास भी रखेंगे बेटा, सिर्फ डाउट क्लास रखेंगे अगर किसी के कोई है तो। तो बेटा आपको तैयारी करनी है अच्छे ढंग से, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो आपका मिस नहीं होना चाहिए बेटा, तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे बेटा, सभी एग्जांपल क्वेश्चन और पावरफुल ये अच्छे तरीके से आपको करना है। मंडे से बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैलकुलस, डेरिवेटिव और इंटीग्रल उसके अंदर इंक्लूडेड है, सिंपल है, ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, तो मिस नहीं करना, तैयारी अच्छे तरीके से करनी है बेटा। और कोई बच्चा कोई बात कहना चाहता है तो बोलिए बेटा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजे जा रहे हैं, काफी बच्चे जो है वो कह रहे हैं टाइम सेट नहीं बैठ रहा उनका, तो उनको रिकॉर्डेड वीडियोस भेज दिए जाते हैं। कोई बात और कुछ कहना चाहता है तो बोले आप। ठीक है बेटा, थैंक यू, तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत स्लो आपको करवाया जा रहा है, काफी स्लो। ठीक है बेटा, बाय।